राम मंदिर निर्माण को देखने के लिए ना जाने ही कितने लोगों ने संघर्ष किया है। इन सबकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं केशव पारासरन की। ये देश के नामी वकील हैं। इनकी उम्र 92 वर्ष है। न्यायालय में भगवान राम के मुख्य अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने अपनी सेवा दी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुल 5 घंटे सोकर 2.5 महीने तक रोजाना मंदिर का पक्ष रखा और अब ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के अध्यक्ष हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन परसरन नंगे पांव सुप्रीम कोर्ट में मंदिर का पक्ष रखने जाते थे। 2.5 महीने तक लगातार चली सुनवाई के दौरान उन्होंने भर्स में भाग लेने वाले अपने तमाम सहयोगियों को अपने घर पर रखा, खिलाया पिलाया ताकि पक्ष रखने में जरा सी भी कमी न रह जाए और उनकी इस निष्ठा की वजह से मंदिर पक्ष की जीत हुई। उनकी इस निष्ठा का परिणाम उन्हें मिला और वो इस कदर सम्माननीय हुए कि जब भी वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भवन में प्रवेश करते थे तो न्यायाधीश खुद उठकर उन्हें सम्मान देते थे। इतने सीनियर हैं कि बाबरी पक्ष के वकील भी पैर छूकर उन्हें सम्मान देते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें कुर्सी पर बैठकर बहस करने की अनुमति भी दी थी और आज वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। न्यायालय में राम मंदिर पक्ष को जीत दिलाने में अपना अहम योगदान देने वाले इस व्यक्ति के बारे में आज आपको कुछ और बातें बताते हैं। तमिलनाडु के श्रीरंगम में जन्मे परासरन ने 1958 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों में अहम भूमिका निभाई। परासरन हिंदू शास्त्रों के अच्छे जानकार हैं और वो वकीलों के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही वो 2 बार देश के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। 1980 में वो देश के सॉलिसिटर जनरल रहे और 1983 से 1990 तक अटॉर्नी जनरल भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें पद्म भूषण और मनमोहन सरकार में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्वारा उन्हें 6 साल के लिए राज्यसभा के लिए भी चुना गया है। राम मंदिर के लिए लड़ी गई लड़ाई में मुख्य अधिवक्ता की भूमिका निभाने वाले परासरन भूमि पूजन के मौके पर काफ़ी भावुक दिखाई दिए। उन्होंने पूरा कार्यक्रम अपने घर पर ही देखा। राम मंदिर भूमि पूजन के एक दिन पहले परासरन ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, 92 वर्ष की उम्र में नंगे पैर कोर्ट जाता था, अयोध्या विवाद में रोज हिंदू पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखता था, रोज दलीलें पेश करता था और बस चाहता था कि किसी तरह प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए। अभी खुशी की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। भूमि पूजन का प्रसारण टीवी पर देखते वक्त परासरन काफ़ी भावुक नजर आए और उन्हें खुशी भी होगी कि उनकी निष्ठा और मेहनत का फल मिला और राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.